बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल है, वेट लूज़ वालों के लिए बहुत ही आइडियल है, बहुत ही बेस्ट है। जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी हो और कुछ खाने के लिए ना हो और आपको चाहिए कि भाई झटपट से कुछ बन जाए, तो फिर ये सबसे गुड आइडिया है कि आप ये रेसिपी बनाएं। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। आपने जस्ट एक पैन लेना है, पैन में आपने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो ऑलरेडी मैंने डाल दिया हुआ है, और फिर मैंने डाली है चिकन बोनलेस, और मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही मैंने डाला है 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ले सकते हैं जितनी आपको खाने के टेस्ट में पसंद है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। तो मैंने मेरे हिसाब से डाला है, इसको हमने अच्छी तरह से सोते कर लिया है। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो गया है और ये गोल्डन कलर का हो गया है, और चिकन हमारी अच्छी तरह से गल गई है। आपने चेक कर लेना है कि चिकन अच्छी तरह से गल गई है, और इसने अपना घी भी छोड़ दिया है। हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, नाम आए हैं, और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। हमें इसी ही पैन में इसका सॉस तैयार करना है। सॉस बनाने के लिए मैंने 1 कप पाउडर लिया है, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 फुल टीस्पून कॉर्नफ्लावर, जिसको आप कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। और इसको हमने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हमने ये इसी ही पैन में अब इसका सॉस तैयार करना है, जो ग्रेवी जिसका आप कहते हैं ग्रेवी है। तो हम इसको ये तैयार कर लेंगे। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे छोटे से चैनल को ग्रो होने में आपकी मदद चाहिए। इस सॉस में कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोया सॉस। ये है 1.5 टीस्पून सोया सॉस है। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप इसमें 2 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और स्लो फ्लेम पे ही हम इसको पका रहे हैं ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लावर है वो इसमें अच्छी तरह से पक जाए, इसमें कच्चापन ना आए और ये फीका ना हो। इसमें भी थोड़ा सा हम टेस्ट देने के लिए इसमें भी हम शामिल करेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। आप हस्बिसा का इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा सॉस जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। तकरीबन जितने आपको क्वांटिटी में चाहिए, थिकनेस चाहिए, आप उतनी देर इसको पका लें। तो मैं इसमें सॉल्ट पहले शामिल करूँगी। मैंने इसमें 2 चुटकी सॉल्ट डाली है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना क्योंकि हमारी चिकन में भी ऑलरेडी है। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 चुटकी, जैसे 2 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, 2 पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें शामिल किया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा सॉस रेडी है। ये सॉस बहुत ही मज़े का, आप स्टेक चिकन किसी पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिकी राइस लिए थे, स्टिकी राइस में अब हम ये चिकन डालेंगे, और ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी लगती है ख़ास तौर पे बच्चों को इस तरह से खाने में और बनाने में। तो ये सॉस अब हम इस राइस के ऊपर डालेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉस को हम हमारे चिकन और राइस के ऊपर डाल देंगे। वाह, देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है, लेकिन खाने में यकीन माने इससे भी ज़्यादा मज़े का था। हमारा सारा सॉस हम राइस के ऊपर डाल देंगे, और आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और सबकी वाह वाह लीजिए। सबको ये घर में रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी मेरी छोटी बेटी की फरमाइश पे मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।